हैं यूपी के बरेली से। यहां से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बरादरी इलाके के एक लड़के ने आरोप लगाया है कि मास्क नहीं पहनने की वजह से पुलिस वालों ने उसके हाथ और पैर में कील गाड़ दी। लड़के का आरोप है कि घर के बाहर वो बिना मास्क के खड़ा हुआ था और इसी बीच वहां पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने मास्क नहीं पहनने पर उसके साथ बदसलूकी की और जबरन उसे अपने साथ थाने ले गए। लड़के का आरोप है कि थाने में उसकी पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की और उसके हाथ पैर में कील गाड़ दी। पीड़ित लड़के ने इसकी शिकायत पुलिस के अधिकारियों से भी की, जिस पर अधिकारियों ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि लड़के पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ये साजिश रची है। सर, मैं घर जा रहा था अपने 150-200 रुपए के काम वाले लेके, और जैसे ही मैं घर एंट्री मारी थी, वैसे ही बोले इधर आओ, मुझे बुलाया। मल की जैन सर सिपाही ने नवाज चौकी गए। अच्छा। वही कर लेते वो उस टाइम पे, जब मुझे 4-5 डंडे मारे मेरे सर, क्योंकि उनका नाम पता है और बुला लिए थे उन्हें आगे। क्या नाम था उनका? नाम नहीं मालूम मुझे। सर वो जो आगे पट्टी बांधी थी तो उसका किले को ठोकी है, उसका चौकी के अंदर जी, और उनके साथ में जो ड्रेस के थे वो उन लोगों ने बहुत मारा है। तो इसी तरह से ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की